चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, हरियाणा बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर ये कि हरियाणा बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने दरअसल फीडबैक लिया है, तो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव चंडीगढ़ पहुंचे, उनकी ओर से बीजेपी नेताओं से फीडबैक लिया गया, मंत्रियों से राय जानी गई है, इसके अलावा विधायकों से भी उनकी ओर से राय जानी गई है, सुझाव लिए गए हैं। इससे पहले हरियाणा बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल उपस्थित रहे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी बैठक में उपस्थित रहे थे और बैठक में हरियाणा के कई मंत्री और नेता भी इस दौरान मौजूद रहे थे। तो वाकई बड़ी खबर हरियाणा बीजेपी संगठन से जुड़ी, क्योंकि देखिए ब्लॉक स्तर पर बदलाव हो चुके हैं संगठन में, या कह लें कि सांगठनिक चुनाव हो चुके हैं, अब जिला स्तर पर बचे हैं। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर राय ली जा रही है। तो केंद्रीय टीम पहुंची है बीजेपी की और चंडीगढ़ में ये राय ली जा रही है। तो राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव पहुंचे हैं, उनकी ओर से फीडबैक लिया गया। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, ये हलचल लगातार देखिए चुनाव के बाद से जारी है। क्या हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है और कब मिल सकता है, कौन खो सकता है, ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने का प्रयास जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कह लें या फिर केंद्रीय टीम जो है वो भी कर रखी है। चूंकि केंद्रीय टीम पहुंची है, बीजेपी के जो राष्ट्रीय महामंत्री है वो पहुंचे हैं, राष्ट्रीय सचिव पहुंचे हैं, वो हरियाणा बीजेपी के तमाम नेताओं से फीडबैक ले रखे हैं। उसमें आप मंत्रियों की बात कर लें या फिर विधायकों की बात कर लें, पूर्व मंत्रियों की अगर आप बात करेंगे तो कैप्टन अभिमन्यू भी इस दौरान मौजूद रखे, उनसे भी राय ली गई है, मनीष ग्रोवर भी मौजूद रखे और हरियाणा के पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार भी मौजूद रखे। इसके अलावा बीजेपी के महामंत्री और सांसद, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और करनाल सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। तमाम लोगों से राय ली गई है कि नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इसको लेकर फीडबैक ली गई। चलिए इसी खबर पर पूरी जानकारी के साथ अनिल मोर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे और जानेंगे क्या वाकई ये समय आ गया है जबकि हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। सीधे रुख करते हैं अनिल मोर का। अनिल मोर, पहला सवाल यही, क्या वाकई वो समय आ गया है जबकि हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है और इसी के लिए बीजेपी की केंद्रीय टीम भी पहुंची है फीडबैक लेने के लिए? बिल्कुल, देखिए समय आ चुका है जब हरियाणा बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला है उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। वैसे में नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मिलेगा, तो ऐसे में बीजेपी आलाकमान की तरफ से जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव और जो राष्ट्रीय मंत्री अनिल देवधर, उनकी ड्यूटी लगाई गई है फीडबैक लेने के लिए। सबसे पहले इनकी तरफ से फीडबैक दिल्ली में लिया गया, जो दिल्ली में हरियाणा के सांसद थे, जो कोर कमेटी के सदस्य थे और पूर्व मंत्री से, कई लोगों से उन्होंने दिल्ली में फीडबैक लिया और आज वो चंडीगढ़ पहुँचे थे। 3 बजे से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। सबसे पहले कोर कमेटी की बैठक, उस कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु समेत जो कोर कमेटी के सदस्य थे उनसे फीडबैक लिया। फिर उसके बाद जो विधायक हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री, उनसे 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है, सबकी राय शुमारी की जा रही है और सभी नेता आ रहे हैं और अपना फीडबैक दे रहे हैं। मीडा साहब यहाँ पे मौजूद है, वो भी फीडबैक दे के हैं। मीडा साहब, वक्त आ चुका है, अब नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, क्या कुछ फीडबैक मुरलीधर राव साहब आप लोगों से ले रहे हैं, क्या फीडबैक आप लोग दे रहे हैं? माननीय मुरलीधर राव जी आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी और संगठन मंत्री भी, सभी लोग यहीं थे, पूर्व में रहे विधायक मंत्री और आए हुए सभी मंत्री और विधायकगण साथ में आए हुए थे, सबकी राय शुमारी ली जा रही है और जो भी हरियाणा प्रदेश को मजबूत करने के लिए जिस भी राय शुमारी में जिस भी व्यक्ति ने जो नाम लिया है उसके बाद ये फैसला संगठन करेगा। उसे नाम पूछा जा रहा है या वर्ग पूछा जा रहा है कि किस वर्ग से होना? नाम पूछा जा रहा है और वर्ग भी पूछा जा रहा है और उस हिसाब से प्रत्येक MLA पूर्व मंत्री और मंत्रीगण अपनी राय दे रहे हैं और उसके बाद में संगठन जो फैसला करेगा वो मंजूर किया। बिल्कुल, देखिए ज्योति सांगवन, जो नेता मुरलीधर राव से मिल रहे हैं, जो मौजूदा विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, पार्टी के बड़े नेता, सभी को 5-5 मिनट का समय दिया जा रहा है। मुरलीधर राव और अनिल देवधर की तरफ से यही पूछा जा रहा है कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार कैसा कामकाज कर रही है, मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से कितना संतुष्ट है, प्रदेश अध्यक्ष से कितना संतुष्ट है और जो आना वाला जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको लेकर जो विधायक है उनकी क्या राय है, वो कोई वर्ग सुझाना चाहते हैं कि किस वर्ग से जो अगला प्रदेश अध्यक्ष
होना चाहिए, जाट होना चाहिए, नॉन जाट होना चाहिए, और अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन हो सकता है। तमाम फैक्टर्स पर जो है काम किया जाएगा, फीडबैक भी लिया जा रहा है अनिल। लेकिन देखिए बड़े बीजेपी के बड़े नेता हारे हैं चुनाव में, तो क्या मानकर चलें कि कई दावेदार वो हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं कि नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर देखे जा सकते हैं? देखिए सबसे पहले बीजेपी को यहाँ पर दो बातों पर ख्याल रखना होगा। सबसे पहले तो इसी बात का कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष होगा जाट बनाया जाए या नॉन जाट बनाया जाए, सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्योंकि जो हरियाणा की राजनीति की बात करें, हरियाणा की राजनीति जाट और नॉन जाट की खास तौर पर फिलहाल की अगर बात करें, और शुरू से इतिहास देखें तब भी इतिहास कुछ ऐसा ही था, एक बार मुख्यमंत्री जाट बनता था फिर नॉन जाट बनता था, कुछ इस तरह का इतिहास रहा, हालांकि वर्चस्व ज़्यादा जाटों का रहा। तो ऐसे में जो नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को मिलना है, हरियाणा बीजेपी को, तो इसी पर सबसे पहले गंभीर विचार किया जा रहा है कि जाट अध्यक्ष होना चाहिए, नॉन जाट होना चाहिए। और दूसरा, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, इनकी परफॉर्मेंस भी यहां पर आंकी जा रही है। जो सुभाष बराला के बारे में कहा जा रहा है कि खुद भले खुद चुनाव हार गए हैं, बड़े उनकी हार हुई है, ये उनका नेगेटिव हो सकता है, लेकिन उनका प्लस ये हो सकता है, प्लस पॉइंट, क्योंकि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी है, मुख्यमंत्री की गुड बुक में उनका काफी ऊपर नाम माना जाता है। साथ ही ये भी उनके बारे में ये भी फीडबैक दिया जा रहा है कि जो बीजेपी की दोबारा रिपीट हुई उसमें प्रदेश अध्यक्ष का भी रोल है। लगातार जो विधायक है जो अपनी अपनी राय के यहां से जा रहे हैं, और मैं जो बता रहा था कि उनके बारे में प्लस पॉइंट ये कि ये भी बताया जा रहा है कि जो बीजेपी दोबारा रिपीट हुई है, भले ही हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन की सरकार बनी है, बीजेपी जेजेपी की गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन सरकार के जो मुख्यमंत्री है बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में एक ये भी रखा जा रहा है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला थे जो, और मुख्यमंत्री की गुड बुक में इनका नाम है, और मीटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। अब मैं आपको ये भी तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मेरे सहयोगी वो आपको दिखाएंगे, आप देख सकते हैं मुरलीधर राव बाहर निकल चुके हैं, सुभाष बराला भी यहाँ पे मौजूद है, और बैठक खत्म हो चुकी है, आप देख सकते हैं बैठक यहाँ पे खत्म हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो फीडबैक था, क्योंकि समय 6:30 बजे तक का दिया था, 6:30 बजे तक यहाँ पर राय शुमारी यहाँ पे की गई थी, विधायकों से राय शुमारी की गई थी, मंत्रियों से राय शुमारी की गई थी, व्यक्तिगत नाम जाने गए थे, और फिलहाल जो मुरलीधर राव है मीडिया से मुखातिब हो सकते, मीडिया से बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं अब जो पूरा का पूरा जो एक जो फीडबैक था, फीडबैक लिया जा चुका है। हम भी कोशिश करेंगे जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि मुरलीधर राव का क्या कहना है, जो फीडबैक यहाँ लिया गया विधायकों से, और सभी विधायकों ने यहाँ पर अपना अपना सुझाव यहाँ पे दी है, विधायकों के अलावा जो पूर्व मंत्री थे, पूर्व मंत्री की तरफ से भी फीडबैक यहाँ पे दिया गया है, और मुरलीधर राव फिलहाल मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, हम यहीं बातचीत करने की कोशिश। तो देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रखे हैं, चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें इस वक्त के सुभाष बराला को आप देख सकते हैं, मुरलीधर राव बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री वो पहुंचे हैं, उनकी ओर से हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो इसको लेकर फीडबैक लिया गया। अभी वो संगठन के लोगों ने अभी तय किया है, अब बाकी निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व ने करना है। आज तो रायशुमारी के लिए हमारे माननीय महामंत्री जी आए थे और सभी प्रमुख लोगों ने अपने अपने राय दे दी, से भी की गई, पूर्व मंत्रियों से भी की गई, तो किस तरीके से सुझाव आप लोगों की तरफ से देंगे, नाम बताएंगे? नहीं, वो सभी ने अपने, अब वो तो सीक्रेट बात है किसने क्या बात की है, परंतु सभी लोगों की एक ही बात है, संगठन का निर्णय सर्वोपरि, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि निर्णय सर्वोपरि है संगठन का। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि मुरलीधर राव जा रहे हैं, बैठक खत्म हो चुकी है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी यहाँ पे मौजूद है, संगठन के दूसरे नेता यहाँ पे मौजूद है, सभी की तरफ से नाम यहाँ पे रखे गए। महिपाल डांडा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, अब फिलहाल जो है बीजेपी की केंद्रीय टीम निकल रखी है चंडीगढ़ से। बहुत शुक्रिया अनिल आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। सब लोगों से बुला के मात्र रायशुमारी ली गई है, ये तो पार्टी का निर्णय है कि वो कब इसके ऊपर फैसला लेगा। बीजेपी संगठन है, खुलकर कोई नहीं कह रहा, लेकिन नाम यहाँ पर ले लिया गया, सुझाव यहाँ पर ले लिया गया, अब देखना ही होगा कि कब तक हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। अनिल आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए भी। तो हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, हालांकि अभी इंतजार का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, फिलहाल फीडबैक लिया गया, केंद्रीय टीम पहुंची और फिलहाल चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुकी है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाई। तो जल्द ही हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है, जिसकी प्रक्रिया भी फिलहाल जारी है।